भाई यहाँ खड़े हुए कोई कैब करा रहा है, कोई ऑटो करा रहा है, कोई रैपिडो करा रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई सस्ते में निपट जाऊँगा, किसी से लिफ्ट मांग लेता हूँ अब तो। ओमेगा तक तू कैसे आया? मैं मैम से लिफ्ट मांग के और मैं किसी अननोन से लिफ्ट मांग के। ये गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह अभी तो घर पे मम्मी आ रखी है, मम्मी ने टाइम पे उठा दिया पर हम नहीं उठे। पता है सुबह इतनी बढ़िया बारिश हो रही है ना मम्मी, रुकी बारिश आ रही है ना भाई, इतनी अच्छी नींद आई है ना। सुजल गया रैपिडो बुला के, सुजल का एग्जाम था वो तो गया। ईशान और मेरी रेगुलर क्लासेस हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अटेंडेंस है हम पे, हम आराम से बैठ जाएंगे घर पे। बारिश तो रुक चुकी है, बारिश रुक चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। बस मम्मी के हाथ के पराठे खा के फिर निकलेंगे। अब तो हमने दो क्लासेस छोड़नी तो है ही, अब तो मन कर गया तो अब तो छोड़ ही देंगे दो क्लासेस। भाई साहब क्या मेल्ट कर रहा है मक्खन भाई, हमारे पराठों में नहीं करता। हम तो गर्मा गर्म खा ही नहीं सकते, बनाएगा कौन, बेलेगा कौन, है ना मम्मी? आप तो एक्सपर्ट हो। बात तो है, मम्मी को छोड़ने जा रहा है अब, मन नहीं कर रहा मम्मी। कैमरा देख के मम्मी चश्मा उतार देती है, अंडर कॉन्फिडेंट मम्मी मेरी चश्मे को लेके। अच्छा लगा मेरे को मम्मी आप आए। अभी चल रहा हूँ मैं साथ में, अभी बारिश हुई थी तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह तो नहीं लेके जा रहा, बस आई कार्ड उठा रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ मैं। मम्मी को बस में चढ़ा दिया, बस स्टैंड पे छोड़ दिया और भाई अब ऑटो पकड़ के जा रहे हैं कॉलेज, सिर्फ एक लेक्चर लगाने के लिए। लगा ली क्लासेस, जा रहा हूँ वापस, बोरिंग डे भाई। हाफ डे होने की वजह से ऑटो खड़े नहीं और घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा भाई। ऑटो क्या खचाखच भर के जा रही है, जल्दी से जल्दी बाइक वगैरह लेनी पड़ेगी भाई, वरना ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे। यार मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई अकेला जा रहा हो ना तो उससे लिफ्ट मांग लूँ भाई। यहाँ खड़े हुए कोई कैब करा रहा है, कोई ऑटो करा रहा है, कोई रैपिडो करा रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई सस्ते में निपट जाऊँगा, किसी से लिफ्ट मांग लेता हूँ अब तो। भाई कोई बाइक वाला भी नहीं आ रहा ना यार, इससे लिफ्ट मांगूं। ओमेगा तक छोड़ दोगे भाई, जीजीएस तक जाना है। थैंक यू भाई, सस्ते में टोल टैक्स तक आ गया भाई, आगे भी चले जाएंगे थोड़ा सा, या फिर एक और लिफ्ट मांगूं भाई। लिफ्ट भी ले ली और 2 किलोमीटर चल के अब घर तक भी जाऊंगा भाई। अच्छा भाई हाफ डे हुआ है हमारा, हाफ डे के चक्कर में मेरे भाई वॉक होगी इतनी सारी। थैंक यू भैया, ये सारा पानी पार करवा दिया ऑटो वाले भैया ने। ये रहा अपना अंडर पास, ऑटो वाले से भी लिफ्ट मांग ली, बाइक वाले से भी लिफ्ट मांग ली, अभी भी इतना चलना है। इंट्रोवर्ट ब्लॉगर, अब इंट्रोवर्ट रहा नहीं वैसे सीओ में आने के बाद, स्कूल तक था। नहीं नहीं भाई अभी घर नहीं पहुंचा, लिफ्ट मांग मांग के आया भाई आज तो घर पे। इससे पहले भी आया हूँ पर कभी रिकॉर्ड नहीं किया, आज मैंने रिकॉर्ड किया भाई। पसीने पसीने हो गया। वेलकम बैक अंकित, पसीना देख पा रहे हो कैमरे में, बस इतनी मेहनत करके आया हूँ यहाँ तक भाई। मुझे पता है तुम में से कुछ लोग ना बोलेंगे कि भाई स्कूटी ले लो ना, और तुम्हारी स्कूटी का हुआ क्या अगर तुम पे थी या फिर नहीं थी, तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो स्कूटी थी वो ख़राब हो गई, बेच दी हमने, नहीं पता तो ये वाला व्लॉग देख लो। और नई स्कूटी की जहाँ तक बात है भाई, मैंने अपने पापा को बोल दिया कि पापा प्लीज़ अरेंज कर दो कोई व्हीकल यहाँ पर, और उसके अंदर थोड़ा टाइम तो लगेगा, और तब तक ऐसे ही काम चलाना है भाई। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा तो कब होगा? तो स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है, ऊपर से तुम बाहर रह रहे हो, अभी तुमको खाना बनाना है। उस नहीं 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 खाना नहीं बनाना, एक सेकेंड भाई, घर पे मम्मी आई थी, फ्रिज भरा भरा है ना, खाना रखा हुआ है मेरा मतलब,
खाना रखा हुआ अपना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कौन है? तू भी आ गया पीछे पीछे? हाँ सब गया भाई। मैं, तू कैसे आया? मैं मैम से लिफ्ट मांग के। और मैं किसी अननोन से लिफ्ट मांग के। ये भाई मैंने वीडियो बनाई यार से लिफ्ट मांगते हुए। अब टीचर थी, मैंने ऐसे की वीडियो नहीं, ऐसे ऐसे रास्ते पे डाल लिया। मैं भाई के कमरे में नीचे बैठा। भाई क्या है ना भाई, बढ़िया ना भाई, कोइंसिडेंस ब्रो। मैं मैंने ऑटो वाले से भी लिफ्ट मांगी है, मैंने एक अननोन बंदे से भी लिफ्ट मांगी है। मैंने ऑटो देखा, ऑटो देख लो भर के लेके जा रहे बच्चे। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने कहा मैम जा रहे हो, मैं जा रहा था। मेरा खुद ऐसे हुआ है, मेरा खुद मन नहीं कर रहा था, इतने बच्चे भर रखे हैं भाई। नहीं भाई नहीं हो पाता भाई, भाई अजीब ही कैसे बैठ जाते थे गर्मी में भाई। मेरा मन नहीं था, मैं तो आ गया भाई। भाई सही है यार। ये ईशान भाई ने मेरे को दिक्कत बताई आज, ये चीज अटक गई है अलमारी में, अंदर नहीं जा रही भाई। इतनी कोशिश कर ली, पूरा बारह लाते मारो, मेरा बेड घिस रहा है भाई। नहीं हो रहा भाई वो, ये बंद नहीं हो रहा, इसकी वजह से फिर मेरा दरवाजा नहीं खुलता। इतना तो अंदर गया, इसको बंद करवाओ यार। कोई बारिश होगी, मौसम की वजह से ना लकड़ी फूल गई लग रहा है। नहीं भाई। ये नहीं क्या होता कर सकते भाई। ये ना हो रहा बंद अभी। मेरे बर्थडे खत्म हो गया, फोड़ दे। ओए भाई बर्थडे का हैप्पी गिर चुका है, अब सिर्फ बर्थडे रह गया है। हैप्पी बर्थडे वाला दिन गया मेरा। आपको पता है मैं ना बस अपने बर्थडे गिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, आपको लगा कि वो तो शॉपिंग करी, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट था। हाँ वो था, पर मेरा एक और गिफ्ट आ रहा है अभी। मैं अमीर नहीं हूँ ठीक है, बस गिफ्ट मिल रहा है मेरे को जो कि मेरे काम आएगा। जब वो गिफ्ट आएगा तो पता चल जाएगा। मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ, अब आप लोगों को भी वेट ही करवाऊँगा ना, जब मेरे को नहीं पता कहाँ पर है वो अभी। तो ज़्यादा बातें ना घुमाते हुए, सिंपल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा गिफ्ट आने वाला है। जब वो आएगा तो हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि वो गिफ्ट कितना बड़ा है। भाई मैंने अभी एक चीज़ देखी ठीक है, मकान मालिक गुस्सा होगा इस चीज़ पे। देखो ये तो भाई दोस्त लोग आए थे, उन्होंने चिपका दिए ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ इनको उतारूँ कैसे। जब मैं देख रहा था इनको तो मैंने नोटिस किया ये क्या हो रखा है भाई। मकान मालिक नहीं छोड़ेगा भाई इसे, क्या कर दिया ये, किसी ने उतारने की कोशिश की होगी ये, कि ये उतार के फिर ये लग जाएगा। अब इसका ये हाल है तो ये जो चीज़ चिपका रखी है ये तो कैसे ही उतरेगी। कॉलेज से आए, खाना खाया, सो गए, सोने के बाद उठा, अभी दो घंटे बैठ के ये जिम गया था। आज मैंने जिम स्किप किया फिर से, कल बर्थडे पे भी स्किप किया था, और बैठ के आराम से वीडियो एडिट करके डाली अभी। और कल सुबह अकेले मेरे को जिम जाना है, इससे एक्सरसाइज पूछ लूँगा मैं कि कौन सी करनी है। तो भाई मिलते हैं कल, मिलते हैं सीधा, अभी तो खाना अपना हो ही जाएगा, जैसे भी देख लूँगा मैं। मिलते कल, बाय।